तो भाई साहब हाँ जी आज की कविता है धरती क्यों न बचाया। हाँ उसमें क्या है कि कल दीपावली थी, बावजूद इसी की दिल्ली में बैन लगा हुआ है, लोगों ने भरसक पटाखा छोड़ा। इसमें ये आपने देखा होगा ना कि किसी दीवार पे लिखा हुआ है कि यहाँ ना मूते हैं, तो लोग वहीं पे वही मूते हैं। बोलते ठीक है, तो ये इस देश का प्रचलन हो चुका है। तो हमें क्या है कि कानून नहीं बनाना है, हमें संस्कार डालने हैं कि बच्चे खुद ब खुद पटाखा ना चलाएं, उस दिन जाके पेड़ लगाएं या कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जिससे कि पर्यावरण की रक्षा हो। तो ये पूरी कविता उसी को ध्यान में रख कर लिखी गई है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि सरकार ने बैन लगाया, फिर भी लोगों ने रुपये में आग लगाया। क्या फिर भी लोग, क्या पटाखा क्या है, आप रुपये में आग लगा रहे हैं यार, उसका कुछ उपयोग कर लो, अच्छा काम कर लो। ठीक है, सरकार ने बैन लगाया फिर भी लोगों ने रुपये में आग लगाया, पहले जम के फटी कान, ऊपर से धुआं खूब फैलाया। आप मन में क्या आ रहा था वो देखिए। ठीक है, अपने मन मन की भावनाओं को अंदर ही दबाएं। पहले जम के फटी कान, ऊपर से धुआं खूब फैलाया, अब मुंह में मास्क लगाए लगाए वहीं फिर रहे, कहते हैं किसानों ने पराली खूब जलाया। कहते हैं किसानों ने पराली खूब जलाया और अपनी पेशानी में झांकते नहीं, औरों का दोष गिनाया, औरों का दोष गिनाया और पूछा कभी क्या अपने बच्चों से कि पटाखा क्यों जलाया, पूछा क्या कभी अपने बच्चों से कि पटाखा क्यों जलाया। बावजूद इसके क्यों नहीं बच्चों से शुभ मुहूर्त पे हमने पेड़ लगवाया। देखो ना दिखावा और जहालत हमको किस मोड़ पे है ले आया। देखो ना दिखावा और जहालत हमें किस मोड़ पे है ले आया। न पानी शुद्ध न हवा शुद्ध, खाने में भी कीटनाशक है हमने पाया। कैसे जिए कोई आदमी, हर कदम है कैंसर का साया। वाहन पे वाहन खरीद रहे, सड़कें छोटी पड़ी जा रही, रोज फंसते हैं घंटों जाम में, फिर भी नहीं कार छूट पाया। कहते वाहन पे वाहन खरीद रहे, सड़कें छोटी पड़ी जा रही, रोज फंसते हैं घंटों जाम में, फिर भी नहीं है कार छूट पाया। और विषाक्त हो गई धरती सारी सागर भी उफनाया। विनाश के कगार पे बैठे हैं, फिर भी इंसा को अकल नहीं आया। विनाश के कगार पे बैठे हैं, फिर भी इंसा को अकल नहीं आया। सालों से है युद्ध जारी, कोई भी तो नहीं इसे रोक पाया। विश्व पर्यावरण दिवस पे इस बार भी दुनिया ने ढोंग है रचाया। और कहते हैं कि मर लेंगे थोड़े दिन में। लोग क्या सोचते हैं, इस हला मैं क्या 20-25 साल जीऊंगा, मर लूंगा, बाद वाले देखे। ये जो सोच है ना, यही सोच दुनिया को बर्बाद कर रही है। मर लेंगे थोड़े दिन में, ये सोच के किसी ने जहमत नहीं उठाया। और अगली पीढ़ी अपना देखेगी, हमने ठेका थोड़े उठाया। अगली पीढ़ी अपना देखेगी, हमने ठेका थोड़े है उठाया। ऐसी सोच है लोगों को। और चलताऊ सोच हावी हो चली है दुनिया भर में। अक्ल पे सभी के पड़ गया है शैतानी साया। अक्ल पे सभी के पड़ गया है शैतानी साया। और थोड़े लोगों ने मुहिम चला के, मेरे को एक कांस्टेबल मिला दिल्ली पुलिस का, एक पार्टी में गया था डीसीपी के, तो उसने भी पूरी सैलरी लगा दी है उस पे, पेड़ पे करोड़ों पेड़ लगा दिए, उसको भी सरकार से रिवार्ड भी मिला है। तो ऐसे लोग हैं जो कि धरती को बचा रहे हैं। तो कहते हैं कि थोड़े लोगों ने मुहिम चला के, संभव करके है ये दिखाया, है कई योद्धा ऐसे जिसने अपने बल पे करोड़ों पेड़ है लगाया। ऐसे ही बची है धरती, कवियों ने भी खूब है अलख जगाया। और कर जोड़ विनती है शहरियार का, बड़ा आगे बहन और मेरे भाया। और आखिरी चाल आने दोस्तों, कहते हैं कि देर हो जाएगी, अब जो आगे बढ़ के धरती नहीं बचाया, खुद से फिर वही सवाल पूछो कि मैंने कितना पेड़ लगाया। सिर्फ पेड़ ही नहीं लगाना है, बड़े होने तक उसे बचाना भी है।
तब हम गर्व से कह सकेंगे हमने हमारी धरती है बचाया, हमने हमारी धरती है बचाया। थैंक यू।